धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 स्थित रिच स्पिन सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों के साथ शोषण किया जा रहा है। कंपनी ने काफ़ी समय से पीएफ का पैसा भी नहीं जमा किया है, लॉकडाउन का पेमेंट भी नहीं दे रही है। करीब 1.5 से 2 महीने पहले से मासिक वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने से श्रमिक परेशान हो रहे हैं। अब हालत तो हो गई है कि घर में खरीदने के लिए इतने पैसे भी नहीं कि आटा सब्जी दाल खरीद सके। अगर समय पर वेतन नहीं मिला तो हमारे घर में चूल्हे भी नहीं जल पाएंगे। इससे परेशान होकर लगभग 300 मजदूर कई किलोमीटर पैदल चलकर तपती धूप में आकर पीथमपुर विकास भवन पहुंचकर श्रम पदाधिकारी एपी सक्सेना को आवेदन दिया, भरोसा दिलाया। श्रमिक नेता मुन्नालाल चौहान ने बताया, प्रबंधन हमें धमका रही है और गाली गलौज भी करता है। श्रमिकों को इस समय पर नियमानुसार वेतन भी नहीं करता है। पीथमपुर से संजय सुनकरा की रिपोर्ट। किस कंपनी के श्रमिक है और यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? हम रेड स्पिनिंग कंपनी के सैनिक हैं और हम लोग वहाँ पे कार्य करते हैं। हम लोगों का करीब 1 साल से लगभग हम लोगों को पीएफ जमा नहीं हो रहा और हर महीने हम पूछते हैं, हमको झूठा आश्वासन मिलता है। और दूसरी बात, जो हमारी सैलरी जो मैं ड्यूटी करते हैं तो मैं 3 महीने में हमको 1 महीने की पेमेंट मिल रही है और वो भी हम लोगों को कंपनी बंद करते हैं तो मिलती नहीं तो बेकायदा नहीं मिलती है, हमको झूठा आश्वासन मिलता है। ओवरटाइम हमसे करवाते हैं 15 दिन का, तो 15 दिन में हमको ओवरटाइम देने का उन्होंने मांग करी थी, हम 16 तारीख को दे दिया करेंगे, बाकी वो हमको 1 महीने से 1.25 महीने में मिलता है। उसके बाद में हमको रेस्ट में ज़बरदस्ती अगर ट्रेनिंग मास्टर वगैरह के थ्रू हमको बुलवाया जाता है, हम रेस्ट भरते हैं और वो पेमेंट हमको मतलब दूसरे दिन देने का उन लोगों ने बोला गया था, जो कि हमको कम से कम 15 दिन या 20 दिन उसका इंतजार करना पड़ता है। और जो व्यक्ति उसके लिए बोलने जाता है या तो उसका हिसाब किया जाता है या उसका गेट बंद किया जाता है या उसको दादा पहलवानों से धमकी दिलवाई जाती है। और इस दौरान क्या नाम से मजदूरों के साथ में मतलब शोषण करा जाता है और एनी टाइम मतलब उनको धमकी दी जाती है। और उनके जो सुपरवाइजर वगैरह जो जॉबर उनके जो फेवर के व्यक्ति हैं उन लोगों से शिकायत मतलब अपने इधर उधर चमचागिरी करके और मान लो जैसे इस व्यक्ति से तो इस व्यक्ति का हिसाब करवा दिया जाता है। किस कंपनी का मामला है और आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए? यहाँ हमें रीड स्पिन कंपनी का मामला है, हमको वेतन के लिए परेशान किया जा रहा है, हमको हमारी वेजेस पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं ये लोग, हमको मतलब हर महीने हमको बाहर खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए ये वेजेस का ही प्रॉब्लम है। और नहीं हमको ओवर टाइम टाइम पे मिलता है, ना हाजिरी अलाउंस मिलता है। अब हम लोग कहीं भी पूछने के लिए जाता है, आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, जब हमको हार करके बाहर आना पड़ता है तब हमको मतलब 2 घंटे में उनके लिए पेमेंट पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट हो जाता है और दो घंटे में हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाते हैं। अभी 1 महीने के लिए कंपनी बंद थी तो हर कंपनी में पेमेंट मिला, लेकिन हमारी कंपनी वालों ने हमको नहीं दिया और हम उसके लिए बोलने के लिए गए तो बोलते हैं कि नहीं मिलेगा वो पैसा, करना है तो करो और नहीं करना है तो जाओ। लॉकडाउन के दौरान इस महीने की पेमेंट आपको मिल गई क्या? मार्च की सिर्फ हमने जितनी ड्यूटी करी थी उसने डाली, बाकी बात की जो पेमेंट थी वो नहीं डाली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।